सप्लाई के दौरान सरस डेयरी की गाड़ी पलटी, पुलिस कर रही है जांच। आज सुबह सप्लाई के दौरान सरस डेयरी की गाड़ी पलट गई। जानकारी मिल रही है कि गाड़ी के एकदम से ब्रेक फेल हो गए थे। गाड़ी पूरी दूध से भरी हुई थी। हादसे की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस जांच कर रही है कि गाड़ी ब्रेक फेल होने की वजह से पलटी या फिर गाड़ी स्पीड में होने की वजह से पलटी। हालांकि दोनों ड्राइवर और खलासी सुरक्षित और दूसरी गाड़ी मंगवाकर सप्लाई करवाई जा रही है। वहीं गाड़ी को उठवाया गया। एक गाड़ी पलटने की सूचना मिली थी, जिस पर हम लोग यहाँ आए थे। एक सरस डेयरी की ये गाड़ी है जो दूध से भरी हुई थी, दूध सप्लाई के लिए जा रही थी और इम्बैलेंस होके ये पलट गई है। इसकी जांच हम कर रहे हैं कि इसकी स्पीड ड्राइवर की गलती से ये पलटी है या कोई अन्य कोई कारण रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सुरक्षित हैं और दूसरी गाड़ी मंगवा कर जो शेष दूध है उसमें भरवाया जाकर इस गाड़ी को सीधा करवाया जाएगा। ब्रेक नहीं आए गाड़ी में, संभले नहीं। और कहाँ से सप्लाई लेके कहाँ जा रहे थे देने? आज मैं डेयरी से जा रहे थे वहाँ राजू। कहाँ जा रहे थे? धर्मेंद्र के, यहाँ अपने बस स्टैंड से चल रही होती है। क्या नाम है? विजय। इंडियन ऑयल डिपो के पीछे। अच्छा, तो कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर। कितने जने थे आपके संग? दो ही है ना हम। तो दोनों के कोई चोट वोट? इसके थोड़ी सी है। हाथ में तुम्हारा नाम क्या है? अंशु। क्या नाम है? कहाँ से निकली थी गाड़ी? किस तरह से? अंशु नाम है मेरा। अंशु जी, कैसे की गाड़ी? लेकिन वो तो थोड़ा वो कट पर हुई। मोड़ थोड़ा सा। गाड़ी स्पीड में थी? नहीं, धीरे थी स्पीड गाड़ी। तो अच्छा, स्पीड में थी गाड़ी। क्या माल था इसमें? दूध भरा हुआ है पूरा। क्या है इसमें? ब्रेक नहीं है ना सर? ब्रेक नहीं था। सरस की गाड़ी, दूध की पूरी भरी हुई गाड़ी। बताओ ना। हाँ सर। क्या है इसमें? दूध भरा हुआ है ना। नाम बताइए। रामलाल।